अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन जो कि प्रोबेंसिड का, जो कि एक एंटी गाउट मेडिसिन है, जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाता है तो वो यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और आपको बड़ी पेन होती है। मोस्टली जो छोटे जॉइंट्स होते हैं आपके, जो पाँव का टो का जॉइंट होता है वहाँ पर, फिंगर जॉइंट्स के अंदर वो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। बड़े जॉइंट्स में भी हो सकता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पेन होती है। इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। ठीक है, तो गाउट के लिए या हाइपर यूरिसीमिया के लिए, हाइपर यूरिसीमिया मतलब जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बड़ा होता है, हाइपर यूरिसीमिया के लिए एक मेडिसिन दी जाती है जिसे प्रोबेंसिड कहते हैं। तो प्रोबेंसिड का पेनिसिलिन के साथ एक बड़ा कॉमन इंट्रैक्शन है, बहुत कॉमन इंट्रैक्शन है। जो प्रोबेंसिड है ये पेनिसिलिन के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करती है, पेनिसिलिन की हाफ लाइफ को इंक्रीज करती है। जब पेनिसिलिन की हाफ लाइफ बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी आ सकती है। लेकिन सम टाइम हम इसी इंट्रैक्शन को फायदे के लिए भी यूज करते हैं। हम ये जानबूझ के ये इंट्रैक्शन देते हैं प्रोबेंसिड और पेनिसिलिन का, ताकि हमें डोज फ्रिक्वेंसीज कम करनी पड़े, क्योंकि पेनिसिलिन की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी तो हमें, अगर हम दिन में पहले 3 दफा ले रहे थे, 2 दफा ले रहे थे, तो हमें 1 दफा लेनी पड़ेगी, तो डोज फ्रिक्वेंसीज हमें कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कम नहीं करते, वही डोज देते रहते हैं, तो ये इंट्रैक्शन फिर ऑब्वियसली पेनिसिलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो टॉक्सिसिटीज भी आएंगी। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ये इंट्रैक्शन होता क्यों है पेनिसिलिन और प्रोबेंसिड का। अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये है जी एफरेंट आर्टरियोल्स, ये एज यू नो ग्लोमेरुलस, और ये हरी एफरेंट आर्टरियोल। यहाँ से ब्लड जब हर नेफ्रॉन से गुजरता है तो जितने भी जो सब्सटेंसेज होते हैं, जो वेस्ट वगैरह होता है, उसके अलावा जो आइंस वगैरह होते हैं, वाटर, वो यहाँ सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड जो होता है वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा। लेकिन पहले ही पार्ट में, इनके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ही एक प्रोटीन, एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1। अभी जो ट्रांसपोर्टर है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1 ट्रांसपोर्टर, ये बेसिकली इस यूरिक एसिड को यहां से वापस रीअब्सॉर्ब कर देता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। इन कैपिलरीज को क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, और कुछ यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इस तरीके से, कुछ रीअब्सॉर्ब होगा, कुछ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा पेनिसिलिन ले रहा है, पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन में भी मैंने बताया था कि सिर्फ 10% पेनिसिलिन ऐसी है, ये पी फॉर पेनिसिलिन होगा, सिर्फ 10% पेनिसिलिन ऐसी है जो यहां से फिल्टर आउट होकर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। 90% पेनिसिलिन, मैंने कहा था आपको 90% ये जो पेनिसिलिन है वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहां से सिक्रीट होती है, इस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर को यूज करके वो यहां से सिक्रीट होकर बॉडी से बाहर निकलती है, यहां से नेफ्रॉन में आएगी, फिर यूरिन किससे बाहर चली जाएगी। ठीक है, ब्लड से यहां से निकलती है। अब क्या होता है, अगर किसी बंदे को यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रोबेंसिड देते हैं। प्रोबेंसिड पता क्या करती है, प्रोबेंसिड बेसिकली इस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1 को ब्लॉक करती है। अब ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1 अगर इस प्रोबेंसिड ने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, तो हमारा जो हाइपर यूरिसीमिया हुआ था वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा प्रोबेंसिड के साथ पेनिसिलिन भी ले रहा था तो इसी ट्रांसपोर्टर के जरिए पेनिसिलिन एक्सक्रीट होना था, बाहर आना था, फिर यहां से बाहर निकलना था। अब ये ट्रांसपोर्टर तो हमने ब्लॉक कर दिया कि भाई यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब ना हो, वो तो अब ठीक है, लेकिन उसके साथ ही पेनिसिलिन की भी तो बाहर एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो पेनिसिलिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पेनिसिलिन की जो हाफ लाइफ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब पेनिसिलिन की हाफ लाइफ बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमें इसकी डोज कम करनी पड़ेगी, तो हम इसकी डोज कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये इंट्रैक्शन देते रहते हैं और डोज कम नहीं करते तो पेनिसिलिन का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो आ सकते हैं, और टॉक्सिसिटीज पेनिसिलिन की हो सकती है। टॉक्सिक इफेक्ट मैंने पिछले जो वीडियो में जो एडीआर डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने इस टॉक्सिसिटीज को डिस्कस किया था, वो वीडियो मेरी दोबारा देख सकते हैं। और इसके अलावा डिटेल वीडियो जो है पेनिसिलिन के ऊपर वो सारी मैं बना चुका हूँ। ये उसके अंदर एक छोटा सा इंट्रैक्शन था जो कि बड़ा कॉमन है, पेपर में एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, और क्लिनिकल स्टडीज में भी इसको बड़ा इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर टू योर अदर क्लास फेलोज एंड योर कोलीग्स एज वेल। थैंक यू सो मच।